बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनटीए स्टेट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू किया है स्क्रीनिंग टेस्ट गाइड का, आज उसी सिलसिले में सेंचुरी मुकम्मल कर लेते हैं, यानी पार्ट नंबर 100 अपलोड कर लेते हैं। और हमने टॉपिक शुरू किया था सेंटेंस कम्प्लीशन का, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, दिस वन, द चिल्ड्रन यहां पर प्लेइंग स्पेस है, क्रैकर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ देयर टीम। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए आता है, ब्रस्ट पटाना। तो बच्चों ने अपनी टीम की पता की खुशी पटाखों से मनाई, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखे, सेकंड नंबर क्वेश्चन, द यहां पर खाली जगह है, द काउंसिल हैज पास्ड अगेंस्ट द मैगजीन फॉर देयर एर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग आर जस्टिफाइड। यहां पर ऑप्शन ई लगता है। स्ट्रक्चर्स, क्या लगता है? स्ट्रक्चर्स, तो इसका पूरे का हो जाएगा द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स के मानिए सख्तियां, क्या है? सख्तियां। द काउंसिल हैज पास्ड, काउंसिल ने जो पास किए हैं सख्तियां, काउंसिल ने मैगजीन के खिलाफ रिपोर्टिंग में गैर जिम्मेदारी की वजह से जो सख्तियां मंजूर की हैं वो जायज है, आर जस्टिफाइड, वो क्या है? जायज है। क्वेश्चन नंबर 23 देखे, आफ्टर अ रीसेंट माइल पैरालिटिक अटैक, पैरालिटिक अटैक कहते हैं पालच का अटैक, पालच का हमला, ठीक है? तो पालच के मामूली हमले के हालिया हल्के पालच हमले के बाद हिज मोमेंट आर उसकी हरकत या सकनात नकलो हरकत कहते हैं आर स्लाइटली, ऑप्शन डी लगेगा इसमें, स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज ही हैज स्टिल वेरी एक्टिव यो, ठीक है? तो इसका मतलब कि हालिया हल्के पालच के हमले के बाद उसकी नकलो हरकत कदर महदूद है, वरना वो अब भी बहुत एक्टिव है। पालच की वजह से वो एक्टिव नजर नहीं आता, लेकिन एक्चुअली वो एक्टिव है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 देखे, 24 नंबर क्वेश्चन, हिज खाली जगह है, अब द टॉपिक वॉज सो गुड द स्टूडेंट हैड फ्यू डाउट्स टू रेज एट द एंड, एक्सपोजिशन लगेगा इसमें। एक्सपोजिशन के मानी है तशरी, नुमाइश, तफसील। उसने टॉपिक को इतनी तफसील से बयान किया, सो गुड दैट द स्टूडेंट हैड फ्यू डाउट्स, कि उनके शकूक व शुबात बहुत कम थे जो आखिर में उठाए गए, यानी उस पर जो क्वेश्चन किए गए आखिर में वो बहुत थोड़े थे। तो एक्सपोजिशन लगेगा, ऑप्शन डी है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखे, 25 नंबर, द पर्पज ऑफ एजुकेशन मस्ट बी टू, तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? द पर्पज ऑफ एजुकेशन मस्ट बी टू रैशनलाइज, टू बी टू रैशनलाइज एटीट्यूड्स एज वेल एज टू इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बाद जुदा कर दें यानी पेश करना, नॉलेज को फैलाना एंड स्किल और हुनर को। तो इसके मानी होगी कि तालीम का मकसद रवैयों को अकली बनाने के साथ, रैशनलाइज अकली रवैये एटीट्यूड रवैये बनाने के साथ साथ इलम और हुनर मुहैया करना भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, बी सॉरी, रैशनलाइज। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर द, फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर, आजादी और मसावात, ऑप्शन ए जो देखे, इनएलिनिएबल, इनएलिनिएबल ये इसके मानी है वो चीज जो जिसको
किसी शख्स से जुदा नहीं किया जा सकता, उसके साथ जुड़ा रहता है, इसको जुदा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये अर्थात हर ह्यूमन बीइंग की राइट्स है, आजादी और मसावात, ये वो हुकूक है जिसको उनसे जुदा नहीं किया जा सकते। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 27 नंबर देखे, 27 नंबर, द टीचर अपॉन स्ट्रेस्ड लगेगा यहां पर, एम्प्रेस्ड, ऑप्शन ई। 27 के 27 में क्या है, एम्प्रेस्ड, द टीचर एम्प्रेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडींग साइंस, साइंस की अहमियत, साइंस पढ़ने की अहमियत को टीचर ने उजागर किया स्टूडेंट पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखे, 28 नंबर क्वेश्चन को, द ओल्डर जेनरेशन, ओल्डर जेनरेशन यानी हमसे पहले वाले जो लोग थे वो उसकी बात है, इज ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स के माने हैं पुराने ख्यालात के मालिक, ट्रेडिशनल रिवायात, इन इट्स आउटलुक एंड हेंस कैन नॉट टॉलरेट इंडिपेंडेंट आइडियाज ऑफ द यंगस्टर्स, ये पुराने लोग जो वो उनके ख्यालात जो हैं वो बुनियाद परस्त, इसको हम कह सकते हैं रिवायती ख्यालात है जो यंगस्टर यानी जवानों के ख्यालात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 29 देखे, 29 नंबर को, अक्रम इज द, यहां पर ये सारे तकरीबन आ सकते हैं, ये ऑप्शन ए स्पेशली, लेकिन एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, अनडिस्प्यूटेड, जिस पर अनडिस्प्यूटेड मीन डेट कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड, अक्रम इज द अनडिस्प्यूटेड हेड ऑफ द फैमिली एंड कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, ऑप्शन सी है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 30 नंबर, द ऑडियंस, ऑडियंस सामीन को कहते हैं, ऑडियंस की माने सामीन, अपलोडेड, ऑप्शन ई लगेगा इसमें, ए डबल पी एल ए यू डी ई डी, अपलोडेड के माने हैं किसी की तारीफ तालियां बजाकर करना, प्रेज बाय क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द ड्रामा, ड्रामा खत्म हुई तो आसामी ने तालियां बजाकर तारीफ की, ऑप्शन ई करेक्ट है। और 31 नंबर क्वेश्चन देखे, ही हैज नॉट येट अटेंड द एज ऑफ 21, अब वो 21 साल का नहीं हुआ है, ही हैज देयर फोर नो राइट, ये तो इजी है, उसका आप कोई हक नहीं बनता कि वो वोट इलेक्शन में वोट कास्ट करे, ऑप्शन डी है। और 32 नंबर क्वेश्चन को देखे, 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अ कैंडिडेट, क्वेश्चन नंबर 32, दिस वन, अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन नीड्स टू कंडक्ट एन एक्सटेंसियो, एक्सटेंसियो के माने हैं वसी कैंपेन, सो एज टू बिकम नोन एज क्विकली एज पॉसिबल टू द इलेक्टोरेट, यानी इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा है उसको उसी पैमाने पर कंपेन चलाना चाहिए ताकि लोग उसको वोटर जोन के हल्के के वोटर्स है उनको पहचान ले। क्वेश्चन नंबर 33 देखे, 33 नंबर क्वेश्चन को, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज इन द मैच्योरिटी पुख्तगी, मैच्योरिटी पुख्तगी को कहते हैं ऑफ द पाकिस्तान इंडस्ट्री, तो इसके मानी इसका मतलब हो गया कि नई सनती पॉलिसी जो है ना हुकूमत पाकिस्तान की सनत की पुख्तगी पर एतमाद का नतीजा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, 24 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट ऑब्वियस रीजन, ऑब्वियस बिला शक व शुबे फॉर हिज लैक ऑफ पॉपुलैरिटी वॉज हिज प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी ऑप्शन ए, टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, उसकी शोहरत में जो कमी है ना, लैक जो शोहरत से वो महरूम है, तो उसकी बुनियादी वजह कहते हैं कि उसकी मकबूलियत में कमी की सबसे वाजी वजह
उसका दूसरों में ऐब ढूंढने का रुझान है, प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इकोनॉमिक्स में यह लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 35 नंबर, मॉडर्न पब्लिक सेक्टर मैनेजर्स हैव बिकम क्वाइट, यहां लगेगा एडिप्ट, एडिप्ट ऑप्शन डी। एडिप्ट के माने है माहिर, जदीद पब्लिक सेक्टर के जो मैनेजर्स हैं ना वो इसमें माहिर हो गए हैं कि वो अपने क्या क्या है वो पादारियां तब्दील करें या शिफ्ट करें एक जगह से दूसरी जगह। 35 में ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखें, 36 नंबर क्वेश्चन को, 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि द कॉन्फ्रेंस वॉज सक्सेसफुल, योर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन वॉज, कॉन्फ्रेंस जो था वो कामयाब था और आपके प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल था वो क्या था, कंड्यूसियो, ऑप्शन सी, वो कंड्यूसियो था, एवरीवन लाइक्ड इट। और कंड्यूसियो के माने है मेकिंग इट एजी पॉसिबल आर लाइकली फॉर समथिंग टू हैपन, यानी लोगों ने उनको बहुत ज्यादा पसंद किया। 37 देखे, अ लार्ज क्राउड यूज टू कलेक्ट, ऑप्शन डी इसमें लगेगा, टू लिसन टू हिज स्पीच, टू लिसन टू हिज स्पीच, एक बड़ा हुजूम उनकी तकरीर सुनने के लिए जमा होता था, अ लार्ज क्राउड यूज टू कलेक्ट टू लिसन टू हिज स्पीच। 38 नंबर देखे, 38 नंबर क्वेश्चन को, द पीसेंट्स, पीसेंट्स प्रोड्यूस वाज इन लाइव ऑफ हिज प्रीवियस ईयर्स रेंट, यहां पर कॉन्फिस्केटेड जब्त किया गया, कॉन्फिस्केटेड इसके मतलब पीसेंट किसान को कहते हैं, किसान इस साल किसान ने जो पैदावार किया है तो उसको पिछले साल के किराए के बदले में जब्त कर ली गई, इन लाइफ ऑफ हिज प्रीवियस ईयर रेंट, रेंट किराए को कहते हैं, जमीन के किराए को रेंट कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, और कॉन्फिस्केटेड के माने है जब्त करना। 39 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इश्यू डिस्कस्ड इन द मीटिंग वॉज ट्राइवियल, टी आर आई वी वी आई ए एल, ट्राइवियल मामूली थे, एंड ओनली अ फ्यू वर सिग्निफिकेंट, अहम थे, मीटिंग में जो बातें डिस्कस हो गई उसमें ज्यादातर मामूली थे लेकिन चंद उसमें से अहम थे, ऑप्शन ई है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मेनी टाइम्स न्यूज पेपर्स डाइवल्ज, डी आई वी यू एल जी ई, द न्यूज टू मेक इट सेंसेशनल, और डाइवल्ज के माने है मेक नोन, अफशा करना, कॉपी द न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं न्यूज पेपर वो क्या करते हैं, न्यूज को अफशा करते हैं ताकि उसको सेंसेशनल बनाए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हाँ, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।